कोई बात नहीं, वो एग्जाम में भी कभी कभार सेफ तो रहेगा ऐसे भी। चलो लॉग कंटिन्यू करते हैं। मैं सर सोच रहा था, सुन लो, अब अपन को मंडे को लेक्चर है। सर हाँ बोल भाई। जो वेडनेसडे को आप टेस्ट लोगे उसमें मतलब जो चैप्टर्स एमटी में होंगे वही पूछोगे कि जितना करा है, क्योंकि केमिस्ट्री सर ने जितना करा है उतना पूछा। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री का लेने देना है? मैंने तो 3 बार बोल दिया ना, मैं सिर्फ 4 चैप्टर का टेस्ट ले रहा हूँ। करेक्ट हाँ यस सर। यस ओके आप सर। उसे एमटी के लेवल का ही रख सकते हो क्या प्लीज, ताकि आइडिया मिल सकता है। नहीं वो मैं अपने हिसाब से, आई विल नॉट से कि वो एमटी का है, एमटी के कम है, एमटी के ज्यादा है। दैट शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर यू टू डिसाइड। वो एग्जाम में तुम अपने हिसाब से जज करना आना चाहिए। कभी ऐसा कोई बोलेगा कि और ये टेस्ट पेपर कर लो इसी लेवल का आएगा, है तो नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल गलत बोल रहा है। मैं ना, मैं अपने हिसाब से सेट करूंगा, बट आई विल नॉट से टू यू कि वो उससे ज्यादा है, उससे कम है, उसके बराबर है। नो, एमटी में ओके वो सर, जज करना, ठीक यस सर, है? यस यस सर। ओके। ये वाला क्वेश्चन डन? यस यस सर, यस 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 सर, ये सिंपल, एनसीआर यस अपॉन सर। R+1 R+2 था, 2 बार न्यूटन का के आंसर आ जाता है। मैं सिंपलीफाई नहीं कर रहा ना, आंसर लिख रहा हूँ। आंसर किसी को याद है सिंपलीफाइड तो बता दो, अदरवाइज आई विल मूव यस ऑन। सर, सर टू टू यस द पावर एन एवरीवन। प्लस टू सर गोपाल, सर हाँ टू टू द पावर एन प्लस टू माइनस एन माइनस थ्री करेक्ट। अपॉन एन प्लस वन इनटू एन प्लस टू। यस यस सर, सेम सर, आया। यस यस सर, गुड ये आया। बच्चों, किसी को डाउट? नो सर, सर नो गौरव सर, बोल। गौरव सर मेरे को माइनस एन माइनस टू आया। तूने करा क्या? 2 बार न्यूटन लगाया हाँ सर, और लिमिट्स की गड़बड़ देखी कि न्यूटन इंटीग्रल में हमेशा लिमिट्स गड़बड़ होता है? हाँ तो शायद वो गलती कर दी एक बार तो वापस एक से। बार ढंग से वापस देखना, क्योंकि हर जगह फुल माइनस मिस लगाना ही पड़ता है न्यूटन इंटीग्रल में। क्लियर? यस वापस देखना, नहीं हो तो डाउट आराम से, बहुत सारे डाउट लेक्चर आएंगे, कभी भी पूछ लेना, ठीक है? दैट शुड बी सर, योर सीरियसनेस। ओके, फर्स्ट पार्ट आंसर तो सिक्स सिक्स इंटू इनटू फोर फोर टू टू द द पावर पावर फोर टू द नाइन। पावर नाइन ये नाम बोलिए बिना नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। कौन बोल रहा है? सर, आदित्य सर, हाँ आर्यमान आदित्य, आदित्य बोलो। सर, 6 × 4 to the power 5। सिक्स इंटू 4 की पावर 5, इज ही करेक्ट एवरीवन? यस सर, किसी यस सर, नो को डाउट ये पार्ट में? सर, नो सर, ओके देन, बी पार्ट का कौन बता रहा? प्रकृति। प्रकृति सर सर, आर्यमान गोपाल। सर, कृति, कृति बोलो। 10 × −4 to the power 9। 10 × −4 फोर टू द पावर का नाइन इंटू एक माइनस टेन मिनट जी गोपाल, बीच में डिस्कस नहीं करते ना, कितनी बार बताऊं? कृति यही बोल रही है? यस सर, ओके, इज शी करेक्ट एवरीवन? यस यस सर, यस सर। सर, यस सर, कुछ डाउट आ रहा है किसी बच्चों को तो मैं एक बार अटेम्प्ट कर लेता हूँ, देख लो मेरे साथ कुछ गलती हो तो। जनरल टर्म लिखना है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, उसको तो बिना सोचे समझे ऐसा लिख दिया करो। साउंड गुड। यस सर, यस, आर इंटू 10 CR × 5 की पावर R-1। अब मैं चेक कर लूंगा, आर को देखो 2 रख रहा हूं तो ये वाला टर्म आ रहा है, बट 2 से तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, करेक्ट नॉट? यस, यस सर, यस सर। क्या सबको चमका क्या बोला मैंने? यस यस आर को 2 रखूंगा तो देखो ये टर्म तो मैच करेगा, बट आर को 2 से तो ये तो पॉजिटिव दे देगा ना, जबकि ये नेगेटिव। यस सर, यस, एवरीवन विथ मी? इसका यस यस सर, सो मतलब वो करेक्ट करने के लिए बस आर को क्या कर देता हूँ मैं? R-1। माइनस, यस सर, R+1 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। R+1 भी चलेगा, R-1 भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब चेक करा मैंने वापस एक बार, 2 × 10 C 2 × 5 की पावर 1, बिल्कुल सही है, करेक्ट ना? पहले यस सर, तो बताओ ये सब मुझे डिस्टर्ब करते हैं, ये आगे वाला आर ज्यादा डिस्टर्ब करता है? आगे वाला आर, आर, आगे आर, वाला, आर, उसके लिए क्या लगाते हैं अपन? डिफरेंशियल, डिफरेंशियल डिफरेंशियल फॉर्मूला। वेरी फॉर्मूला, गुड, न्यूटन्स डिफरेंशियल। सो देयरफॉर आर आर कट जाएगा, 10 बार आ जाएगा। −1 की पावर R-1 × 9 CR−1 × 5 की पावर R-1। साउंड्स गुड एवरीवन? यस यस सर, सर। यस सर, न्यूटन्स डिफरेंशियल है तो लिमिट की कोई गड़बड़ नहीं होती है। वी आर रेडी विद आवर एक्सपेंशन। माइनस यस, फाइव इज द सेकंड वेरिएबल, एग्री करो? हाँ यस सर, है ना, लाउड वॉइस। यस यस सर। सर, 1 − 5 की पावर कितना आएगा? 9। तो नहीं, यस कृति इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई डाउट किसी को? सर, नो सर, नो सर, ओके देन, थर्ड पार्ट कौन बता रहा आंसर? गोपाल, गोपाल। गोपाल, हर्ष बताओ।
ट्वेल्व इंटू बोलो थ्री वापस टू द पावर 12 माइनस 1, बोलो फर्स्ट। 12 into ट्वेल्व ब्रैकेट थ्री टू द पावर 12 माइनस 1। ओके आई थिंक डाउट है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। सर इट वन शुड बाय बी वन ट्वेल्व, अपॉन ट्वेल्व वन अपॉन अपॉन ट्वेल्व, ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व। ये होना चाहिए। यस सर, ये है। हालांकि क्या गलती करता है सर, 12 नीचे आएगा ना, डिवाइड करते हैं आता याद है। कर, न्यूटन इंटीग्रल के लिए 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला तो ही आशा जा आशा जाता है। किसी को डाउट है इसमें? नो नो सर। ओके डी पार्ट तो गोपाल आर्यमन सर, सर, आर्यमन बोलो, आर्यमन। वन यस सर, वन इज यस सर, एब्सोल्युटली वन, करेक्ट, यस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को डाउट? सक्रिति। ओके बच्ची देख, तो जनरल टर्म लिखने से पहले ही मुझे सब में कॉमन दिख रहा है, वो तो कॉमन निकाल लूँ ना। यस सर, यस सर, यस सर, अब क्या दिख रहा है, 1 - 10 × 2NC1 + 2NC2 × 10² मेरे को दिखा ऐसा, तो मैंने उस टाइप का लिखना चालू कर दिया। -2NC3 × 10³ and so on till 10 की पार 2n, which is actually मुझे दिख रहा है 2NC2n। तो लड़की आपको तो दिखना चाहिए, तो डायरेक्ट एक्सपांशन ही है, कोई न्यूटन न्यूटन की भी जरूरत नहीं है। देख यस सर, यस सर। कम ऑन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, वेरी गुड। सेकंड वेरिएबल कौन है बोल जल्दी से? सर 10 -10 करेक्ट ना, माइनस 10 यस सर, यस 1 - 10 रेस टू पावर कितना, 2n। 2n कन्वेंस हो जाओ उसी का एक्सपांशन है, यस सर, गॉट इट। यस तो -9 की पावर 2n / 81 की पावर n। थैंक यू सर। किसी को डाउट एनीबॉडी? नो सर। आगे बढ़े? यस सर, यस सर। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया था, राइट? यस सर, यस सर। नया बच्चा बताओ सर। दीपक सारे दीपक, दीपक सर 1/51 × 52। क्या बात है दीपक, एक्सेलेंट। यस सर, सेम। यस सर, सेम। यस वेरी गुड। ये दिखाता है देखो कितने नए नए बच्चे अच्छा कर रहे हैं, मेहनत करके ला रहे हैं, सिंसियरली होमवर्क किया है और वो भी करेक्ट किया है, वेरी गुड। किसी को डाउट? लास्ट टाइम ओके ओके, कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? यस सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, अब न्यूटन्स डिफरेंशियल में थोड़ा मिसलेनियस दे रहा हूँ, न्यूटन्स डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल में क्वेश्चन। Don't be afraid to try some things. किसी similar terms को collect करके कुछ देखो, देखने का try तो बिल्कुल करना हमेशा।
कुछ हो रहा है सर, सिंपलीफाई हो गया सर, एक टर्म बचता है। चलो अब लास्ट हैंड, ये टेलीस्कोपिक का क्वेश्चन है। हाँ सर, ओके लेट्स सी, किसी का आंसर आया क्या? सिद्धार्थ करेक्ट, श्रवण करेक्ट, कैरव करेक्ट, जय करेक्ट, क्या बात, गुड। ध्रुवल मिस्टेक। कैन आई डू नाउ एवरीवन? आदित्य करेक्ट। यस सर, एक और सर, एक बार मिस्टेक। अब मोस्ट करने वाले हैं अरे आप, चल देखो इधर f of n is summation, तो मैंने सोचा ncr वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, r square minus r square plus sorry 2r plus 1 into ncr minus r square into ncr minus 1, correct now? Yes sir. So ye ho gaya r plus 1 whole square into ncr minus r square into ncr minus 1. Batao, is it a telescopic pattern everyone? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mein chota, bade mein bada. N plus 1 whole square into ncn minus 1 square into nc what? Zero? Yeah. Yes sir. So f of n कितना हो गया? Plus one square. One minus one. Okay. Yes sir. So अब f of 30 निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 30 plus one, 31 का square minus one. उस form में लाना है, तो a plus b, a minus b, सही है ना? Yes sir. Yes. 32 into 30. तो 30 ये रहा, और 32 हो गया, लिख सकता हूँ 2 की power 5, lambda is 5. कभी कभी जिस सेंस से फॉर्म में पूछा है वो भी कट करना आना चाहिए, नालायक विवान, नालायक ध्रुविल। सर मेरा गलत आया था 31, इस स्टेप के बाद गलत किया तू देख सर 30 सर 30 स्क्वायर माइनस 100 पता नहीं क्या कबाड़ा करा तूने, यहाँ एन को 30 रख के 30 स्क्वायर माइनस 1 कर दिया होगा कबाड़ा। बहुत अच्छे, सबका कॉपी हो गया एवरीवन? यस यस, कोई डाउट किसी को?
चलो ओके, अब हेडिंग लिखो रिवर्सल मेथड विच इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस रिडक्शन ओनली. याद है गॉस रिडक्शन? यस सर. वही है ऑलमोस्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस रिडक्शन. क्या था गॉस रिडक्शन याद कराएगा मुझे? एफ ऑफ आर कोई एक्सप्रेशन होता है विद अ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. हाँ एफ ऑफ आर यही होता था एवरीवन. यस यस आर को हम किससे रिप्लेस करते थे? लोअर प्लस अपर माइनस आर से. तो एस रिमेन्स एस ओनली. याद आया एवरीवन? यस सर. और फिर गॉस रिडक्शन करके बाद यूजुअली ऐड भी करते थे. आई होप याद आ गया ये सब चीजें. Yes. So in binomial C, some questions will be of that sort. Like see the first question, 1 into NC1 plus 2 into NC2 plus up to N into NCM. Ab is question ko ab tum teen methods se kar sakte ho. Suggest me earlier methods ka kya hai? Newton's differential. Very good. Newton's differential. Method 2, differentiation. Correct everyone? Yes. Three is now Gauss reduction, summation R into NCR, where limit अगर one से n करूँगा, या चलो पहले वो बताता हूँ, zero to n, मैं zero to n भी करूँगा तो बुरा नहीं मानोगे? Come on. No sir. No. Yes sir. Are you with me all of you? Yes sir. मैं basically बोल रहा हूँ सारे number of terms ले लेना n plus one, भले उसने n दिए हैं, but हम n plus one ले लेंगे. तो अब मैं Gauss reduction के हिसाब से R को किससे replace करूँगा? Lower plus upper minus R. मतलब R को किससे रिप्लेस करना है एवरीवन? N माइनस R. यहाँ तक क्लियर? Yes sir. अब बिफोर आई ऐड व्हाट शुड आई डू? एनीबॉडी? न्यूटन्स ना फ्लिपिंग. क्यों फ्लिपिंग? ताकि NC वाला सेम हो जाएगा ना. NC N माइनस R सेम है NC R. जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू. यस. और अब मैं फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करूंगा. ऐड फर्स्ट एंड सेकंड कितना आ जाएगा लेफ्ट साइड एवरीवन? यस 2s. एंड में कैन आई से एनसीआर एनसीआर कॉमन आ जाएगा एवरीवन? यस सर. आर प्लस एन माइनस आर? यस सर. यस सर. क्या हो जाएगा? 2s इज इक्वल टू ये एन कांस्टेंट बार आ जाएगा एवरीवन राइट? Yes, n into summation n d r r equal to 0 से n. So 2s is equals to n into कितना? 2 की पावर n. Yes sir. Yes. Is it clear? Yes sir. अब यही चीज देखो क्या थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैंने बोला है कि एप्लीकेशन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. अगर मैं समेशन की लिमिट को 1 से n कर दूं तो यस दैट इज ऑल्सो s ओनली. एग्री करो यहाँ तक? Yes, sir. हाँ भाई जीरो से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना. Come on. Yes, sir. फिर मैं गॉस रिडक्शन लगाऊं 1 plus n minus r तो फिर ये कुछ होगा नहीं, बस ऐसे ही पड़ा रहेगा. n plus 1 minus r into nc n plus 1 minus r. अब फ्लिपिंग लगाओगे तो क्या हो जाएगा? nc r minus 1. फिर ऐड तो कर नहीं पाओगे. समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. क्या समझ गए यहाँ तक? Yes, sir. उसमें फायदा नहीं होगा तो तुम्हें कुछ एडजस्ट करके फिर गॉस रिडक्शन लगाना पड़ेगा. एडजस्टमेंट क्या है? लिमिट को कहाँ से स्टार्ट करना है? Sometimes you can get stuck like that, तो उस समय थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है. कॉपी करो गॉस रिडक्शन. तो मैं यहाँ पे इस मेथड को रिवर्सल मेथड बोलूंगा क्योंकि गॉस रिडक्शन तो एक्चुअली राइट वाला पार्ट है.
सर एक सेकंड आप पीछे जा सकते हैं, दो मिनट दे सकते हैं, अभी भी नहीं हुआ तो नीचे का थोड़ा बाकी रह गया था। करो 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 हाँ हो गया कॉपी अब तो यस सर यस यस हो गया। करो फर्स्ट क्वेश्चन पहले फिर सेकंड। हो गया एवरीवन? हाँ सर यस सर ये सबसे फास्ट है डिफरेंशिएशन उन सबसे भी अब बट हमेशा नहीं लगेगा ना। ओके क्या जनरल टर्म इसका आर प्लस वन इनटू एनसीआर एनसीआर आर इक्वल टू जीरो टू एन फिर रिवर्स में आर को किससे रिप्लेस किया एन माइनस आर एन माइनस आर प्लस वन और दूसरे में फ्लिपिंग भी लगा दी सही है ना सर ऐड कर दिया टू एस इज इक्वल टू समेशन आर प्लस दिस दैट विल बी एन प्लस टू इनटू एन सी आर सो एन प्लस टू बाहर रहेगा दैट इज टू की पावर एन सबका सही आया है। हाँ सर चलो सेकंड स्टार्ट करो फिर अब सेकंड बताओ क्या कोई बच्चा पूछेगा सर हमें कैसे फील आएगा कि कोर्स से करना है कोई फील भी नहीं आएगा बस धीरे धीरे एक्सपीरियंस से थोड़ा पता चलेगा कहने से आर एन माइनस आर देख के थोड़ी फील आ रही है एवरीवन यस सर करो कंटिन्यू।
और जनों का सही है, दिव्यांश टू का फैक्टर एक्स्ट्रा है, निश्चित करेक्ट, गौरव करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, श्लोक करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, कैरव करेक्ट, भावेश रॉन्ग, अच्छा भावेश सेकंड लिखा होगा, ओके ओके, दीपक करेक्ट, राधा करेक्ट, चल रिवर्सल लगाया, आर को एन माइनस आर से रिप्लेस किया, फ्लिपिंग भी लगा दी, एन सी आर इंटू साइन ऑफ एन माइनस आर इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा ये आर एक्स, फिर दोनों को ऐड कर दिया 2s, तो समेशन एन सी आर कॉमन, और अंदर कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी, कितना हो जाता है वो साइन ऑफ प्लस बी ए प्लस बी, आर एक्स से आर एक्स कैंसिल हो गया बच्चों, सो 2s इज इक्वल टू समेशन एन सी आर इंटू कितना बचा है साइन साइन एन एक्स, अच्छा वेरिएबल कौन है समेशन के लिए आर, तो ये पूरा टर्म उसके लिए क्या हो गया कांस्टेंट, ऐसे मैंने ताकि कभी कोई डाउट ही नहीं आए, साइन एन एक्स इंटू स्कैंसर टू पी पावर एन, बिल्कुल सही किया सब बच्चों ने, वेरी गुड। तो दिव्यांश ने भी पहले टू इंटू नहीं, वो टू सेकंड क्वेश्चन का था, लाइक सर गोपाल सर मुझे डाउट है, बोल सर हाउ डू वी नो व्हाट टू रिप्लेस आर विद, मुझे वो समझा नहीं, रिप्लेस आर विद लोअर प्लस अपर माइनस आर, वही तो बोला लोअर प्लस अपर कितना है जीरो प्लस एन, एन यस सर, तो एन माइनस आर से रिप्लेस करना है, ओके फाइन सर, चलो नेक्स्ट टू क्वेश्चन हो गया ना कॉपी सबका, यस सर, यस सर, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, करेक्ट भावेश अंजय, क्या बात है आज नया नाम भावेश अच्छा कर रहा है, कम ऑन,
Fifth correct है, lambda is half. Sorry, third question correct है, lambda is half. किसी को doubt है तो third में करूँ, otherwise others are doing fourth. Yes, sir, Dhruv. Okay, देखो फिर इधर. An is कौन दे रखा है कि अच्छा one upon NCR है. अब उसमें तो कुछ करने से मतलब नहीं है क्योंकि हमें final answer वैसे भी an के terms में ही निकालना है. तो अब जो पूछा है उसको क्या मान लेते हैं, समेशन मान लें. यस सर. और उसमें क्या लगा देंगे अपन, गॉस गॉस या फिर रिवर्सल, आर को किससे रिप्लेस करके, एन माइनस आर, एन माइनस आर. तो समेशन ऑफ एन माइनस आर अपॉन फ्लिपिंग लगा दी एनसीआर. अब दोनों को ऐड कर दिया, सो 2s इज इक्वल टू समेशन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, आर प्लस एन माइनस आर, एन एन, जो कि बाहर आ जाएगा ना. हाँ सर. यस सर. और ये कौन है वापस, कौन ये है, इतना सा भी नहीं करा तो वेरी पुअर. फोर्थ करो, चलो डांसर. Yes, sir. Done. Can I discuss everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलो कर दें, अब देख लो. ये ऐसा क्वेश्चन ये नहीं है कि सिर्फ रिवर्सल से ही होगा, ये डिफरेंशिएशन वाले मेथड से भी हो जाएगा. चलो थोड़ा बहुत ही, तो क्या हो गया टर्म, लास्ट टर्म क्या है, सी नॉट प्लस दिस, सी वन प्लस दिस, राइट. यस सर. मैं प्रूव ये करना, ठीक. तो अगर लेफ्ट साइड से देखोगे तो इन सब में ये तो सोचना ही मत, कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि ये 2 की पावर 1 हो गया, ये 2 की पावर 2 हो गया, एनीबॉडी थिंकिंग लाइक दैट. कुछ बच्चे करते हैं ये, क्यों? क्योंकि सी नॉट प्लस सी वन प्लस अप टू सी एन क्या होता है, 2 की पावर एन. सी नॉट प्लस सी वन क्या हो गया, 2 की पावर 1. सी वन सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री क्या हो गया, 2 की पावर 3. ऐसा कोई बच्चा सोच रहा है क्या? हाँ सर, मैंने ऐसे. तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सी नॉट प्लस सी वन टू की पावर 1 तभी होगा जब ये 1 होगा ऊपर, और ये 2 क्यूब तभी होगा जब 3 होगा ऊपर. क्या यहाँ पे ऐसे सुपर इंडेक्स है या हर जगह n है? ऐसी नादानी बिल्कुल ना करें, समझ गए? यस सर. देखो कितनी फीलिंग समझता हूँ तुम्हारी, हाँ है ना.
ये idiotic चीजें नहीं. Next, Pascal's law लगाने से भी कोई फायदा नहीं होगा जब सुपर इंडेक्स सेम है तो अलग अलग क्यों कर रहे हो. करेक्ट और नॉट? तो वो भी छोड़ दो. तो फिर बेस्ट स्ट्रेटेजी यही लगी सारे सी नॉट को कंबाइन करते. कितने ब्रैकेट्स है बच्चों, कितने टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो टोटल टर्म्स फाइनाइट टर्म है, दिख रहे हैं ना? यस सर. यस सर. तो सी नॉट कितनी बार है? n टाइम्स. n टाइम्स देखो n सी नॉट. एग्री करो? यस सर. सी1 कितनी बार होगा फिर? कम ऑन. n माइनस 1 माइनस 1 टाइम्स. c2 कितनी बार होगा? n माइनस 2 टाइम्स. n माइनस 2 टाइम्स. और लास्ट टर्म सिर्फ cn माइनस 1 एक बार ही होगा. एग्री करो? Yes, और कंसिस्टेंसी के लिए भी लिख देता हूँ, तुम्हें पता ही है ये सब चीजें. कम ऑन. यस सर. अब सब पे फ्लिपिंग लगा देता हूँ. क्यों? मुझे थोड़ा कंसिस्टेंसी सही लग रही है. एन सी एन प्लस एन माइनस वन सी एन माइनस वन एन सो ऑन वन सी वन प्लस जीरो सी जीरो. कम ऑन एवरीवन. ओके? यस सर. अब रिवर्स से जनरल टर्म लिखोगे तो क्या दिख रहा है? देखो आर इंटू एन सी आर. आया ना बच्चों? यस सर. आया ना? यस सर. कर ली हमने आर इनटू एनसीआर में. न्यूटन लगाऊंगा तो सबसे फास्टर है. और तुम रिवर्सल भी लगा सकते हो. समझ में आ गया? यस सर. जल्दी से कॉपी. सर आर एमन. सर मैंने स्लाइटली डिफरेंट मेथड यूज किया, फ्लिपिंग ही यूज किया, बट सर मैंने डिफरेंट मेथड नहीं यूज किया. सर मैं बोल सकता हूँ? सर तो मैंने गॉस का फंडा यूज किया. एस लिखा, एस इक्वल्स टू दिस, फिर एस लिखा बट लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लिखा, मतलब उल्टे ऑर्डर में लिखा. फिर मैंने देखा एक ही चीज है. ओके एक ही चीज है. सही है. सर इसको हम लोग डबल समेशन से कर सकते हैं? ये डबल समेशन है ही नहीं तो कैसे कर सकते हैं? नहीं सर मैंने मतलब ऐसे दो समेशन लिख के नहीं हो सकता सर. नो नॉट एट ऑल. तो कैसे? अगर उसमें स्टिल डाउट है कि मैंने जो लिखा फिर वो क्या है तो फिर मुझे भेजना, मैं बताऊंगा. बट बिल्कुल नहीं है उससे रिलेटेड. एनीबॉडी एल्स? तो कौन सा टॉपिक चल रहा था अभी? मेन टॉपिक, मेन टॉपिक बताओ. रिवर्स समेशन. समेशन सबसे बड़ा टॉपिक अभी वही चल रहा है, समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट. इज दैट क्लियर? यस सर. उसके अंदर न्यूटन चल रहा था अभी तक. समझ में आ रहा है? हां सर. अब न्यूटन के बाद अभी भी टॉपिक समेशन ही चल रहा है. समेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स ही करते रहेंगे. बट अब न्यूटन के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट वैन डर वाल. वेंडर वॉल नहीं है वो, तो एटॉमिक में पढ़ते थे मोल में. कहाँ सर? एटॉमिक और केमिकल बॉन्डिंग. सर केमिकल बॉन्डिंग. हाँ केमिकल बॉन्डिंग. वेंडर वॉल स्पीशीज क्या होती है? क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये वेंडर मॉन्ड है. ये सब वेंडर वर्ड आते ही नीदरलैंड के साइंटिस्ट हो जाते हैं. ओके यस. तो वेंडर वॉन्ड सीरीज, यहाँ पे दो सीरीज आएंगे, एक सीरीज आज, एक सीरीज हो सकता है एमटी के बाद. देखते हैं कब कराऊं, क्योंकि मैं सेकंड सीरीज अभी कराऊंगा कंफ्यूज जाऊंगा. तो वैन डर वाल्ड सीरीज कर रहे हैं. क्लियर? यस यस सर. तो इसमें लिख लो हेडिंग सीरीज वन, उसका फॉर्मूला लिख लो जो मैं लिखा रहा हूँ, फिर समझाता हूँ मैं. लिखिए फॉर्मूला. यस ये देखो इधर
तो दिस इज द फॉर्मूला, इसका आइडेंटिटी, इसका प्रूफ तो अभी प्रूफ बताऊं पहले? चलो प्रूफ सुन लो पहले। प्रूफ तो क्या है कि आर सी आर की वैल्यू कितनी होती है, कमॉन वैल्यू उस वन की जगह आर प्लस वन सी आर प्लस वन भी लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो फर्स्ट टू टर्म्स ये थे करेक्ट ना, फर्स्ट टू टर्म्स उसकी जगह आप क्या लिख रहा हूँ मैं, आर प्लस वन सी आर प्लस वन प्लस आर प्लस वन सी आर, ताकि कौन सा फॉर्मूला लग पाए, कम ऑन पास्कल्स लॉ, याद है पास्कल्स लॉ एवरीवन? यस सर। तो इन दोनों ने कंबाइन करके पास्कल्स लॉ क्या बना दिया, आर प्लस टू सी आर प्लस वन। तो नेक्स्ट टर्म के साथ कंबाइन कर लेगा, कमॉन एग्री करो, कमॉन। यस सर। ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे, कमॉन, आर प्लस थ्री सी आर प्लस वन। ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे, आर प्लस फोर सी आर प्लस वन। क्या जज किया अभी तक पैटर्न की सब इंडेक्स हमेशा आर प्लस वन रहता है? हाँ यस 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 सर। और सुपर इंडेक्स जिसके साथ भी लास्ट कंबाइन हो रहा है उसका प्लस वन हो रहा है, एग्री करो। कंबाइन किसके साथ होगा, एनसीआर हाँ ना कार्टून हो? हाँ सर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन सी आर प्लस वन। बिल्कुल क्लियर? यस यस। तो प्रूफ ठीक है, काम का नहीं है, हमें तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि फॉर्मूला कब लगेगा। जैसे हम सबको पता है पास्कल्स लॉ कब लगता है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? हां सर। जब भी सुपर इंडेक्स, जब क्या सुपर इंडेक्स सेम होना चाहिए, सब इंडेक्स कंसेक्यूटिव होना चाहिए, याद आया? यस सर। यहां पे भी ऐसा ही पैटर्न बताइए मुझे, कौन क्या पैटर्न है? फर्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व करना चाहिए, सुपर इंडेक्स हमेशा प्लस वन से इंक्रीज कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, एग्री करो? यस सर। इंडेक्स कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो फिर फ्लिपिंग लगा के देख लेना, कभी कार हो जाता है उल्लू बना देते हैं, ठीक है? मैंने हिंट दे दी बस। नेक्स्ट और कुछ पैटर्न, सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी बाकी है। सर फुल सीरीज होना चाहिए, ऑलवेज स्टार्ट विथ, कम ऑन, देखो क्या आर सी आर जो सब इंडेक्स का जो कांस्टेंट है उसी से स्टार्ट होना चाहिए, इज दैट क्लियर इनफ एवरीवन? यस। फिर फाइनल आंसर के लिए, फाइनल आंसर के लिए बस क्या कर देना, लास्ट टर्म देखना कौन है लास्ट टर्म यहाँ पे, एनसीआर। तो उसके सुपर इंडेक्स में भी क्या कर देना, कम ऑन, प्लस वन प्लस वन, और सब इंडेक्स में भी क्या कर देना एवरीवन, प्लस वन, इज दैट द आंसर, एन प्लस वन सी आर प्लस वन। अच्छा मैंने फॉर्मूला में प्लस वन लिखना भूल गया क्या मैं शायद से? हाँ सर। फॉर्मूला करेक्ट कर देना अगर एक तो बड़ी बात। और सब बच्चे सब जो मेरे साथ आइडेंटिफिकेशन वापस बताओ, समान सुपर इंडेक्स कैसा होना चाहिए एवरीवन, प्लस वन से इंक्रीज, सब इंडेक्स कैसा होना चाहिए हमेशा कांस्टेंट, लेट्स से वो आर है तो इट शुड स्टार्ट विद आर सी आर। और फिर फाइनल आंसर के लिए कर देते हैं, सुपर इंडेक्स एंड लास्ट सब इंडेक्स ऑफ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में प्लस वन कर देते हैं, करेक्ट? यस। चलो जल्दी देखो फिर, 11 सी 11 नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 12 सी 11 13 सी 11 13 सी 11 प्लस अप टू लेट्स से 49 सी 11। क्या वेंडर वन सीरीज वन लग जाएगी क्या एवरीवन? यस यस सर। आंसर हो जाएगा बताओ, 50 C12। बट अगर मैंने ये दोनों टर्म गायब कर दिए तो अब इसका आंसर तो ऑब्वियसली ये नहीं है ना, फुल माइनस में, फुल माइनस में, माइनस। वेरी गुड, अरे क्या बात, चलो कॉपी कर लो। वेनसडे को जो मेरा लेक्चर है उसमें भी मैं एक घंटा पढ़ाऊंगा और एक घंटे डाउट्स लूंगा, सुना सबने जो भी डाउट्स हैं? यस सर। यस सर। तो वेनसडे को भी अपने डाउट्स लेके आ सकते हो, क्लियर? यस सर। द पेस का ऑल टाइम बेस्ट रैंक क्या था? आया सेकंड या थर्ड आया,
लास्ट टू लास्ट ईयर तो सेवेंथ आया था, लास्ट टू लास्ट या उसके लास्ट बता नहीं, ऋषि नाम अच्छा दादर गई सेवेंथ आया था, सब टॉपर्स दादर से ही आए नहीं ये सब अच्छे बस हर ईयर का, उससे पहले थोड़े अंधेरी आते थे, उससे पहले थोड़े नेहरू आते थे, हमेशा चेंज होते रहते हैं थोड़े। अभी इस बार जैसे सीनियर जो बैच है वो दादर से नहीं आएगा, दादर का बैच नालायक है सीनियर, बोरिवली से भी आया, ऐसे सब चलते रहते हैं, वो बच्चे पे डिपेंड करते हैं कहाँ अच्छे मिल गए मिल गए। हाँ भाई जल्दी कॉपी करिए, I'll be done. Yes, sir. Yes. Example लिख लो जल्दी से. Okay, can I give question now? Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Start this. ओके इनका जल्दी हो गया, चेक करो आराम से, एक भी गलत नहीं चाहिए इन सब इजी क्वेश्चंस में, और हमेशा पैटर्न देखोगे वेंडर वांट लगना चाहिए पहले से, नहीं लग रहा है तो फ्लिपिंग लगा के थोड़ा ट्राई कर सकते हो, करेक्ट ना? यस सर।
चलें, हो गया सबका? यस सर, यस सर। ओके, नाउ सी हियर विद मी। कभी भी डाउट है तो एक्सपांड करके देख ही सकते हो, राइट एवरीवन? यस सर। आर को जीरो रखा तो ये 20 से चल रहा है बिल्कुल। अच्छा, आर कंसेक्यूटिव भी इंक्रीज कर रहा है और लास्ट टर्म 40C20 है, तो क्या आंसर हो गया? 41C21। मल्टीप्लिकेशन में 41C20 भी देंगे, वो भी करेक्ट है। Yes. जल्दी बोलो। Yes, sir. If they give you in multiple correct, 41C20, is that also correct? Yes, sir. जो तुम्हें 10 सेकंड लगे बोलने के लिए वो नहीं लगने चाहिए, फ्लिपिंग से, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो, यहाँ पे आर आते ही दिख रहा है कि ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि वेरी करेगा, करेक्ट ना? Yes, sir. For you expand, तुम्हें पहले क्या लगा देना चाहिए everyone? कितना हो जाएगा एवरीवन देन? 21। अब आर को जीरो रखा, 21C21, 22 विल बी प्रॉपर वैन डर वाल्स सीरीज है। लास्ट टर्म है 36C21, तो फाइनल आंसर 37C22। कोई डाउट यहां तक? नो सर। आर सब इंडेक्स पे देखते ही समझ में आ गया कि वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो पहले तो फ्लिपिंग लगा दी मैंने, सही है ना? Yes, this minus this, कितना हो जाएगा everyone? 11। अब मैंने expand किया terms देखने के लिए, तो R को 0 रखा, तो 21C11। अरे यार, van der Waals है तो सही, but proper नहीं है, correct ना? Yes, sir. ऐसे question को हम कैसे करते हैं? अभी लड़की ने क्या बोला था? Full minus miss। तो मान लो full series है van der Waals की, तो answer क्या हो जाता है everyone? 42C12। और मिसिंग कहां से कहां तक ये बताओ, 11C11, 12C11 एंड सो ऑन टिल 20C11। सो कैन आई से सबको क्लिक हो गया कि मिसिंग भी एक वैन डर वॉन सीरीज है? कम ऑन, यस सर, यस सर, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, क्लिक करो। कितना आंसर है इसका? 21C12। ये दिस इज योर आंसर? यस सर। कॉपी फास्ट। Anybody doubt? Can I move then? Yes. Yes, sir. चलो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन करते हैं। Let's try this. वापस बीटी की फर्स्ट क्लास में आ जाओ, क्योंकि बहुत देर बाद कोफिशिएंट के क्वेश्चन होते हैं तो तुम सोचना बंद कर देते हो। If I ask you this, x की पावर 10 इनटू 1 प्लस x की पावर 100, क्या आंसर होगा? 50। हाँ भाई, 100 से 40। बिल्कुल सर, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 40 चाहिएगा, राइट? याद आ गया? यस सर, यस सर। अगर ऐसे पूछूं तो देखना, x की पावर 51 इनटू 1 प्लस x की पावर 100, क्या आंसर है? जीरो। जीरो, वेरी गुड, जीरो। जल्दी से एग्री करो। यस सर। अब क्वेश्चन कॉपी करके अटेम्प्ट करो।
Very good. Gaurav correct. Mayuri Radha correct. Okay, you check. Siddharth correct, Samyak correct, Gopal correct, Kairav correct, Nishit correct, Kritiya correct. This one is Zenith Dhruv. Dhruv mistake. Bhavesh correct. Chalo, good. Bahut jaldi kar liya, ab wrap kare. Okay, please hear along with me, everyone. Har main X ki baat karta. Don't be worrying about very, very big things. तो इसमें क्या आंसर है 100 सी 50 करेक्ट बच्चों यस सर यहां पे x ऑलरेडी है तो यहां पे कितना चाहिए 49 चाहिए ना 49 यहां पे x स्क्वायर ऑलरेडी है तो 48 चाहिए थोड़ा सा दिमाग लगाया किसके लास्ट टर्म के बाद उसके मैटर टर्म्स मैटर नहीं करेंगे यस सर x पावर 50 into 1 plus x की पावर 50 plus x की पावर 51 into 1 plus x की पावर 49 है ऐसे ही है ना टर्म्स Yes. In sub terms mein contribution zero hai. Haan hai na everyone? Yes, sir. So, ye pattern last kab tak chalta rahega? Yahan pe 50 hai to yahan pe zero chahiye. Matlab 50 c zero. Jaldi se agree karo all of you. Yes, sir. Ab mujhe sabka sub index constant nahi dikh raha hai. To main sab mein kya laga dunga? Flipping. Yes. 98 c 50 and so on kaha tak aa gaya everyone? 50 c 50 c 50. अब अपना वेंडर वांट सीरीज हो गई है क्या एवरीवन हां सर सो यस क्या आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर बोलो 101c 101c 51 कॉपी करो और इसका मेथड तो कोई बता पाएगा तो अच्छी बात है सबका कॉपी हो गया मेथड 2 बताओ मैं बताऊं नोबडी एक मिनट रुक सकता चलो सबका कॉपी हो गया यहां तक एवरीवन सर यस सर मेथड 2 ओरिजिनल सीरीज को देखो 1 plus x की पावर 100 है फिर x आ रहा है और 1 plus x एक फैक्टर से कम हो रहा है थर्ड टर्म में x स्क्वायर आ रहा है और 1 plus x एक फैक्टर से कम हो रहा है एनीबॉडी नाउ
वो जीपी है, ध्यान से देखो ऊपर, कम ऑन, जिसका फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स की बार 100 है और जिसका कॉमन रेशियो क्या है, कम ऑन एनीबॉडी, एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, जल्दी चेक करो, देखो दिस इनटू दिस का सेकंड टर्म दे रहा है क्या, देखो यस यस, फिर दिस इनटू दिस वो भी दे रहा है, देख रहे हो एवरीवन, यस यस, और टर्म्स 101 टर्म्स है क्योंकि x से लेके x की बार 100 और फिर एक और टर्म, जल्दी से एग्री करो बच्चों, यस यस, सो आई कैन डू इन दिस वे आल्सो कि कोफिशिएंट ऑफ x की बार 50 इन दैट सीरीज, तो वो सीरीज का है समेशन ऑफ gp, कौन, यस यस सर, जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू, यस सर, यस सर, तो कोफिशिएंट ऑफ x की बार 50 gp का सम का फार्मूला लगा रहा हूं, क्या फार्मूला होता है याद है ना, a into r की बार -100, ओके into 1 माइनस लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है वो एलसीएम एलसीएम में इशू करेगा, 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, सही लिखा है एवरीवन, यस सर, यस सर, सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 एलसीएम लिया 1 प्लस x की पावर 101 माइनस x की पावर 101 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 101 इनटू नीचे एलसीएम लिया, सही है, यस यस, सो इसके साथ कंबाइन करेगा ना एवरीवन, यस यस, कितनी पावर बना दी उसने, 101 ने 101 को उड़ा दिया, करेक्ट ना एवरीवन, यस, सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन व्हाट, नीचे कितना बचा है, 1 तो सिर्फ ऊपर वाले दो टर्म्स बचे हैं, कम ऑन एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन, यस सर, तो अब ये तो बस पूछ रहा है कि बस क्या कोफिशिएंट है, तो बताओ भाई पहले वाले टर्म में क्या कोफिशिएंट है x की पावर 50 का, 101 c 50, और ये तो कोई एक्सपेंशन भी नहीं है, तो सिंपल टर्म है, करेक्ट और नॉट, यस सर, 101 c 50 इज द आंसर, जिसका फ्लिपिंग लगाओगे तो कितना आंसर आएगा, 101 c 50, ऊपर भी वही आंसर था क्या, यस यस सर, क्या ये मेथड भी समझ में आया, लंबा है आई एग्री बट समझ में आया, यस सर, कॉपी करना है, यस सर, यस सर, यस सर, कर दो कर दो, Yes. Yes, sir.
बताओ जल्दी से, कोई डाउट है तो लेट मी नो। नो सर। एक ऊपर कैन आई से बायनोमियल मेथड हो गया और नीचे एसएनएस मेथड हो गया ना एक तरीके से। कैन आई मूव एवरीवन? यस यस। डू दिस बी पार्ट, उसी क्वेश्चन टाइप का बी पार्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 इन दिस, कम ऑन। किससे कर रहे हो, बाइनोमियल टाइप का या एसएनएस टाइप का? सर एसएनएस टाइप। एसएनएस टाइप तो ये जीपी की जगह क्या हो जाएगी? जीपी। बाइनोमियल से भी कर सकते हो, आई प्रेफर बाइनोमियल, बट योर विश। I think Jack correct है। आंसर लिखो चैट पे अगर डबल आ गया तो।
चलो डिस्कस कर रहा हूँ मैं अब. एवरीवन रेडी? यस. कौन सा एक ही मेथड करूंगा बताओ, कौन सा मेथड करूं? बाइनोमियल मेथड. तो हर मैक्स की बार 50 पकड़ते हैं. इसमें क्या आंसर है? 100 सी 50 प्लस 2 एक्स ऑलरेडी है तो 49 चाहिए, तो कितना हो गया? 99 सी 49 प्लस 3 इनटू 98 सी 48. और तुम्हें पता है हमें लास्ट टर्म कौन सा मैटर कर रहा है हमारे लिए? 50 वाला, राइट? यस सर. इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 51. यहाँ 2 के कारण 3 है तो क्या होगा? 51 होगा, करेक्ट? यस सर. 51 ऑलरेडी है मतलब 0 चाहिएगा. 50 सी 0. साउंड्स गुड एवरीवन? यस सर. सब में फ्लिपिंग लगानी है तो लगा ही देते हैं. 2 इनटू 99 सी 50 प्लस 3 इनटू 98 सी 50 एंड सो ऑन टिल इसके सेकंड लास्ट आंसर होगा 52 इनटू 51 सी 50 नहीं 52 नहीं 49 होगा ना. या 49 होगा सर. 49 नहीं 50 होगा प्लस 51 इनटू 50 सी 50. सही लिखा है? देखो जल्दी से. यस यस सर. किसी को डाउट यहां तक? नो सर. नो सर. अब क्या लगेगा? वेंडर वॉन्ड ही लगेगी इसमें लगेगी. बट यार ये तो एक भी चाहिए, दो बार है ना? Yes. तो क्या हुआ, एक बार तो यूज कर सकते हैं ना, और एक बार अलग से सीरीज के लिए आ जाएगा. कम ऑन, कैन आई से लाइक दैट? यस. पहली सीरीज किसकी बनेगी? 100 सी 50 प्लस 99 सी 50 प्लस 98. तीन बार है तो भी एक बार यहाँ पे यूज कर लेंगे, करेक्ट ना? यस सर. एंड ऑन 51 सी 50 50 बार है, बट एक बार यहाँ यूज करूंगा और ये भी एक बार यूज करूंगा. और बाकी अब 99 सी 50 कितनी बार बचा है? एक बार बचा है. यस सर. यस सर. वो अपनी अलग से सीरीज बना देगा. कम ऑन, एग्री करो? यस सर. यस सर. आया ना बच्चों? यस सर. ऐसे सब टर्म्स अपने अब नई नई सीरीज बनाते रहेंगे ना एवरीवन? यस सर. यस सर. तो बताओ लास्ट किसका कॉम्बिनेशन होगा? लास्ट यही होगा ना, ये 50वीं बार और ये 50वीं बार. कम ऑन, एग्री करो? कम ऑन. यस सर. यस सर. जल्दी से फील करो. यस yes, क्योंकि ये कम है ना तो इसके साथ लास्ट कंबाइन होगा. एवरीवन फील दैट? यस सर. यस सर. और कोई बचारा बचा रहेगा क्या? 50 बचा रहेगा. परफेक्ट. 50 सी 50 अकेला बेचारा पड़ा रहेगा. मॉन, एग्री करो? यस सर. यस सर. पक्का? ओके एवरीवन यहां तक? यस सर. यस. कन्विंस हो जाओ, मैं 10 सेकंड रुक रहा हूं. चल तो ये सब क्या हो गए बोलो? 101 C 51. Next second row कितनी हो गई? 100 C 51. Next वाला क्या हो जाएगा? 99 C 51 हो जाएगा, right? Everyone. Yes. तो ये last जो vendor bond यहाँ पे लग रही है ये कितना हो जाएगा? Come on. 52 C 51. और ये अकेला बेचारा पड़ा हुआ, इसके लिए तो कोई vendor bond लगेगी ना? लगी नहीं ना एक टर्म में. Come on. Yes. 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 हम सबको फील आ रही है अच्छा हो सकता है वापस वेंडर अवॉन्ड लग रही हो, और बिल्कुल सही भी है, बिल्कुल लग रही है. ओनली थिंग इज इट इज नॉट स्टार्टिंग फॉर, एग्री करो? यस सर. यस सर. तो क्या कर सकते हो? फुल माइनस मिस तो कर ही सकते हो ना एवरीवन? यस सर. फुल माइनस मिस प्लस 50 सी 50, करेक्ट ना? यस यस सर. तो फुल का आंसर कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? कम ऑन. 102 सी 52. मिसिंग किसको है? कम ऑन. 51 C 51 50 C 50. जल्दी से दोनों की वैल्यू बोलो यार, सरप्राइज मत होना. इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू +1. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस यस यस. व्हिच इज फ्लिपिंग से 102 C 50 आल्सो कॉपी करो. SN से करोगे तो AGP बनेगी, AGP का समेशन निकालना पड़ेगा, उससे भी हो जाएगा घर पे करना. सद्रो कॉपी.
हाँ भाई अब किस पर डाउट है बोलो ध्रुव। सर इसको हम गॉस रिडक्शन से कर सकते हैं क्या? नहीं नॉट एट ऑल सर, जनरल टर्म लिख के नहीं होगा? अरे हाँ अभी तो बोला नहीं होगा बच्चे। अच्छा ओके सर करके देख ले, तेरे को कुछ हो रहा है तो बता, कुछ भी इतना सा भी चांस नहीं है। एनीबॉडी एल्स? सबका कॉपी हो गया, क्लियर हो गया मेरे बच्चों? यस ओके। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक मैनेजर को पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? आज ऐश करो, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।